नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर रेंट एग्रीमेंट हमारे पेरेंट्स के नाम पर है तो क्या हमारा पासपोर्ट बनेगा। मीन्स जहां पर भी आप भाड़े पर रहते हो और आप सोच रहे हो कि चलो मैं वहां पर चाहे 2 साल हो, चाहे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से आप उसी जगह पर भाड़े पर रहते हो, उसी एरिया में भाड़े पर रहते हो, तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है मीन्स रेंट एग्रीमेंट वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पेरेंट्स के नाम पर है, तो क्या आपका वेरिफिकेशन होगा पासपोर्ट का, पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है आपका होगा। तो देखो, ज्यादातर क्या होता है ना कि उन केसेस में जब आपके नाम से ही रेंट एग्रीमेंट रहता है तो वो कुछ ज्यादा ही बेस्ट होता है। मीन्स आपके पेरेंट्स के नाम से रेंट एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, आप अपने नाम से जो है रेंट एग्रीमेंट बनवा लो, ये कुछ ज्यादा ही बेस्ट होगा। देखो, आप डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नॉर्मल सारी डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया, और अपना मार्कशीट लगा दोगे अगर इस CNR कैटेगरी में बनवाना है तो, और ये आपका रेंट एग्रीमेंट लगता है ताकि आपका एड्रेस कंफर्मेशन वो लोग कर सके कि हाँ आप इसी एड्रेस पर रहते हो। और कभी कभी जो जिनके जिनका जो है रेंट एग्रीमेंट होता है, कभी कभी उनका ही नहीं, किसी से भी कभी कभी विटनेस के लिए बोल देते हैं लोग कि आप एक गवाह या दो गवाह को लेते आना, वो इसलिए बोलते हैं ताकि वो लोग वेरीफाई कर सके कि हाँ ये हमारे घर के बाजू में ही रहते हैं, हमारे यहाँ ही रहते हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, मतलब गवाही एक तरीके से बोलते हैं ना, विटनेस कि हाँ ये सबूत हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि हाँ तुम यही रहते हो। तो उससे मतलब उन लोगों को थोड़ा सा जब डाउट होता है ना तब वो लोग ऐसा विटनेस के लिए बोलते हैं। 100% केसेस में अगर देखा जाए तो 10% लोग ही, 10 या 5% लोग ही आते हैं जिनसे विटनेस के लिए बोला जाता है, नहीं तो किसी से भी विटनेस के लिए नहीं बोला जाता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझसे भी विटनेस के लिए बोला गया था, तो मैं अपने घर के यहीं सूरत में ही अपने बाजू में से एक दोस्त को लेके गया था, एक जन को ही मैं लेके गया था, और उसका आधार कार्ड का जेरोक्स भी लेके गया था, मतलब वो भाई भी मेरे साथ गया था, उसका आधार कार्ड का जेरोक्स था, बस दैट्स इट। तो उसमें क्या होता है ना कि इसमें ये लोग वेरीफाई करते हैं कि हम जो एड्रेस प्रूफ रेंट एग्रीमेंट का दे रहे हैं, ये बंदा यहाँ पर सच में रहता है कई सालों से, या फिर अभी बस आया है, जस्ट एक महीने भी नहीं हुए आए हुए, तब तक पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है पासपोर्ट बनवाना, क्योंकि आपको पता है फ्रॉड वगैरह कुछ ज्यादा हो रहा है आजकल, तो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। अब देखो, इतना याद रखना कि अगर आपका आधार कार्ड में एड्रेस गांव का है और रेंट एग्रीमेंट में कहीं और का है, और हर एक डॉक्यूमेंट में एड्रेस कहीं और का है, तो फिर आपको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। मीन्स पासपोर्ट शायद आपका पेंडिंग में रह जाए, या फिर पासपोर्ट आपका बनने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। इसलिए जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो तो इतना देखो कि भाई एड्रेस और एंड आपका नाम और आपकी एज वगैरह सब कुछ हर एक डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पासपोर्ट एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी इसलिए की जाती है कि कहीं गलत किसी इंसान का पासपोर्ट ना बन जाए। गलत इंसान का मेरा मतलब यह है जो आतंकवादी लोग होते हैं, जो गुंडे मवाली उस टाइप के अलग लेवल के होते हैं, जो मर्डरर होते हैं, जिनके नाम से बहुत ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड का मतलब यह है कि खून के जुर्म में इस तरीके का कुछ संगीन अपराध करके वो लोग जेल में गए, थोड़ा सा बाहर आए हैं वो जमानत पे या किसी भी तरीके से, और वो पासपोर्ट बनवा के इंडिया से बाहर भाग जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में इसीलिए ये पासपोर्ट का वेरिफिकेशन, एड्रेस वाला वेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से किया जाता है। पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से करते, वो लोग चेक करते अच्छे तरीके से। तो मुझे लगता है कि अगर रेंट एग्रीमेंट अगर आपके नाम से होगा तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। मीन्स अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपना खुद का कर रहे हो, तो आपके नाम से होगी तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर माइनर आप हो तो पेरेंट्स के नाम से भी रेंट एग्रीमेंट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। मीन्स अगर आपकी एज 18 से कम है और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो रेंट एग्रीमेंट आपके पेरेंट्स के ही नाम से रहेगा, डेफिनेटली आपके नाम से तो वो रहेगा नहीं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके पल्ले पड़ गई होगी। मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या आपको बताने की ट्राई कर रहा था। तो चलो, इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है पासपोर्ट एंड वीजा से रिलेटेड वीडियो को देखने को मिलती है। तो चलिए, हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।